जनपद अयोध्या में ईंट निर्माता समिति अयोध्या की बैठक सिविल लाइन स्थित होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार सिंह ने कहा, केवल ईंट भट्टों पर ही जीएसटी की दर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। जो जीएसटी की दर पहले 1% समाधान योजना थी, उसे बढ़ाकर 6% तक, जो दर 5% रेगुलर थी उसे बढ़ाकर 12% कर दी गई है, अर्थात 600% व 240% की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। एवं कोयले के मूल्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। जो कोयला पिछले वर्ष 800 व 1000 प्रति क्विंटल टन में था, वो कोयला अब 20,000 से लेकर 27,000 प्रति क्विंटल टन हो गया है, जिसके फलस्वरूप ईंटों की लागत मूल्यों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसके विरोध में देश के प्रत्येक जिलों ने जिला मुख्यालय से लेकर देश के सबसे बड़े प्रदर्शन स्थल नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया, परंतु इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विवश होकर अखिल भारतीय एवं ईंट टाइल्स निर्माता महासंघ नई दिल्ली के द्वारा नई दिल्ली में हुई बैठक में देश के संपूर्ण ईंट भट्टों के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। समिति की बैठक अभी दिल्ली के अंदर सम्पन्न हुई, जिसमें ईंट भट्टों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की, 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल, और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्ठे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप 1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। सर, लेकिन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन हमने धरना प्रदर्शन करने से लेकर प्रेस के माध्यम से और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और प्रधानमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन था वो जा करके भी हमने दिया था और सारी स्थिति रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया, और इसी कारण से जो है आज की स्थिति में हम लोग इस कारोबार के संचालन में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि जो लागत हमारी है उससे नीचे हमारे ईंटा बिक रहा है, जिसके कारण से भारी क्षति हर भट्ठे वाले की हो रही है पूरे देश के अंदर। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा जो है भारी मन से कि अगले सीजन में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हमने अगले सीजन के लिए अपने भट्ठे बंद कर दिए हैं और सरकार के साथ हम वार्ता के क्रम में हैं। मानसून सत्र में हमारी जो एक कोर टीम बनाई है, जिसमें हम सांसदों से मिलकर के, मंत्रियों से मिलकर के, और उनसे अपनी वेदना अपनी पीड़ा फिर कहेंगे, और जब तक समाधान नहीं होता है तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। शासन बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया था, शासन में हमारी कई चक्र की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी जो है एक हमारी बैठक हुई, और ये हुआ था कि आपकी उस पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा, किंतु निर्णय की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि पूरा सीजन बीत गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।